कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। चैनल पर पहली बार आते चैनल के ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत से कमेंट आया था दोस्तों कि बहुत अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर स्टूडेंट का भी फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मुझे जो है ना ये आप लोगों के हित के लिए और आप लोगों की जानकारी के लिए मुझे ये वीडियो जो है ना बनाने का मकसद यही है कि आप लोग को जानकारी मिले और जो स्टूडेंट जो अभी स्टूडेंट है उनको जो है ना सही दिशा और सही राजनीति के साथ जो है ना स्ट्रगल करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि उसमें जो है ना दोस्तों अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि स्टूडेंट का अर्थ क्या होता है हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ समय देर न करते हुए। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर स्पष्टीकरण से लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का फुल फॉर्म जाने। ठीक है, स्टूडेंट का फुल फॉर्म जाने दोस्तों। देख लीजिए अब यस से क्या होता है, टी से क्या होता है, यू से क्या होता है, डी से क्या होता है, ई से क्या होता है, एन से क्या होता है और साथ साथ टी से भी क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा। चलिए तो दोस्तों देख लीजिए यस, यस से क्या होता है, स्मार्ट। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के साथ साथ आप एक स्मार्ट लोग भी हैं। ठीक है, स्मार्ट लोग भी है दोस्तों और स्मार्ट का मतलब होता है होशियार, होशियार। अरे स्टूडेंट तो इंजीनियर सब कुछ बनता है ना, मैकेनिक इंजीनियर सब कुछ बनता है, तो वो होशियार नहीं रहेगा तो क्या वो कभी मैकेनिक बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है? और वो सब कौन बनता है? एक स्टूडेंट बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए टी, टी से क्या होता है, टी से देख लीजिए क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टी से क्या होता है। टी से होता है दोस्तों ट्रूथफुलनेस। ठीक है, ट्रूथफुलनेस यानी सच्चाई। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है ना तो हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखिएगा कि हमेशा हमको सच्चाई बोलना है ना कि झूठा। ठीक है, झूठा कदापि नहीं बोलना है दोस्तों, हमेशा सच्चाई बोलना है और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है। कंसेप्ट क्लियर, हिंदी और इंग्लिश साथ में आप लोगों को प्रोवाइड कराते ही जा रहा हूँ। अब देख लीजिए यू, यू से क्या होता है दोस्तों, यू से होता है यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है एकता। दोस्तों आप देखे होंगे महाभारत का जब युद्ध चल रहा था ना, अगर उसमें एकता नहीं रहता पाँचों पांडव तो क्या वो विजय प्राप्त कर पाता? नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों आपको एकता भी रखना है। ठीक है, किसमें? विद्यार्थी लाइफ में और विद्यार्थी के साथ साथ एकता भी रखना है पढ़ाई के मोड के अनुसार। ठीक है, अब देख लीजिए डी, डी से क्या होता है दोस्तों, डी से क्या होता है देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, डी से, डी से होता है डिस्किल्पनेस। ठीक है, डिस्किल, डिस्किल्पनेस, डिस्किल्पनेस जो लिखा हुआ है ये जो है ना दोस्तों अनुशासन, इसका हिंदी नेम होता है अनुशासन। दोस्तों अगर आप एक स्कूल में एक शिक्षक, एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके सामने एक शिक्षक है तो आप उसको हमेशा ऊंचा दर्जा में रखिएगा और साथ में जो है ना दोस्तों उसको सम्मानित भी कीजिएगा और उसके साथ साथ उसके सामने आपको अनुशासन में ही रहना है। क्योंकि आप जब किसी से बुद्धि जो है ना परीक्षण करते हैं या फिर अपने अंदर बुद्धि का ग्रहण करते हैं तो जो व्यक्ति आपको बुद्धि देता है ना दोस्तों उसको जो है ना अंदर यानी उसके सामने हमेशा जो है ना शासन में रहना चाहिए ताकि आपको वो नेचुरल बुद्धि आपको प्रदान कर सके। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ई, ई से क्या होता है दोस्तों, ई से होता है आपको एनर्जी। और साथ में दोस्तों ये एनर्जी भी होना जरूरी है और एनर्जी का ऊर्जा नेम होता है हिंदी में। ठीक है, आपको जब पढ़ाई कर रहे हैं तो एक ऊर्जा और जुनून को साथ पढ़ाई कीजिए, ना कि मैं पढ़ रहा हूँ पास होंगे फेल होंगे, फेल होंगे तो फिर अगली बार देंगे, ऐसा नहीं करके पढ़ना है। अगर पढ़ना ही है तो ऊर्जा के साथ पढ़िए और नया नहीं तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, दो ही बात है। ठीक है, तो इससे जो है ना दोस्तों एनर्जी होता है, ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाई करना है साथ में। इसके बाद जो है ना नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है यन, यन से होता है नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन का मतलब होता है दोस्तों साफ़ सुथरा, और हमेशा दोस्तों आपको जो है ना साफ़ सुथरा में रहना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि साफ़ सुथरा में अगर नहीं रहेंगे, गंदगी वेशभूषा में रहेंगे तो आपको जो है ना बीमार पड़ने का जो है ना लक्षण ज़्यादा संभवतः आपके हित में रहेगा। इसीलिए जो है ना नियर एंड क्लीन यानी आपको साफ़ सुथरा में रहना है। टी से होता है टैलेंटेड, टैलेंटेड मतलब होता है क्या दोस्तों, टैलेंटेड मतलब होता है प्रतिभावान।
ठीक है, टैलेंटेड मतलब होता है प्रतिभावान होता है, ठीक है। तो आप, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और ख़राब भी लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और साथ में आप लोग जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि सर हमको इसके बारे में फुल फॉर्म बताइए, तो वो मैं बताता जा रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग को जो भी इच्छा होता है कि हमको ये बारे में फुल फॉर्म नेम मालूम नहीं है, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उस पर जो है ना वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार जो भी भाई बहन गृहिणी पधार चुके हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, ओके, बाय।